नीलेश अभी अपने गांव आया हुआ था अपनी दिम्मा से मिलने के लिए। दादी को बचपन से ही दिम्मा कहता आया है। कुछ दिन पहले ही उसका सिलेक्शन अमेरिका में नौकरी के लिए हो गया है। अभी 2 दिनों बाद सरस्वती पूजा है, बस उसके बाद सप्ताह भर की ही बात है, फिर उसे निकल जाना है। उसकी दादी पहले शहर में रहा करती थी जब दादाजी की मृत्यु हुई थी, पर अभी अपने अकेलेपन के साथ गांव में ही रह रही है। कहती अब इस उम्र में उस घर के अलावा कहीं अच्छा भी नहीं लगता। नील की पढ़ाई पूरी होते ही अमेरिका में उसका सिलेक्शन हो गया था, सोचा गांव वाले घर पर कुछ दिन शांति से बिताएगा और दादी से मिलना भी हो जाएगा। फिर तो ना जाने कितने सालों के बाद यहाँ आना और सबसे मिलना हो पाएगा। नील की दिम्मा यानी सरोजिनी देवी बहुत खुश हो गई थी अपने पोते को अपने पास आया देखकर। बहुत ही दुलारा जो था उनका, विदेश में उसकी इतनी बड़ी नौकरी लगी है सुनकर खुशी के आंसू छलक आए थे उनकी बूढ़ी आंखों में। नील के आने पर दादी ने पूरे मन से उसकी पसंद का खाना खुद बनाया और पूरे लाड प्यार से खिलाया। फिर दोनों की बातों और गप्पों का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर में चटाई बिछाई और अपनी दादी के साथ वहीं लेट गया। फिर सिलसिला शुरू हुआ, न जाने कितनी ही बातें, बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की, पापा के गंभीर स्वभाव और माँ के डरपोक स्वभाव की। कि अचानक नीलू पूछ बैठा, दिम्मा बताओ ना तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मेरा जन्मदिन? तारीख तो मुझे याद नहीं बेटा, लेकिन मैं सरस्वती पूजा के दूसरे दिन पैदा हुई थी। उस समय कौन अपना जन्मदिन याद रखता था, इतने पुराने जमाने की में, खासकर मेरे जैसे बुढ़िया का। दिम्मा ने हंसते हुए अपने प्यारे पोते को कहा, तो क्या तुमने या दादाजी ने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं दिमू? नहीं रे, तुम्हारे दादाजी को तो अपना ही जन्मदिन पता नहीं था, मेरी तो छोड़ ही दे। मैं 8 साल की रही थी जब तेरे दादा से मेरा ब्याह हुआ था, और तेरे दादा उस समय मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे। बाप रे दादी, तुम उस खड़ूस के साथ इतने दिन कैसे रह गई? नील ने छेड़ते हुए अपनी दादी के गोद में अपना सर रख दिया। कोई बात नहीं दिमा, इस बार हम मनाएंगे तुम्हारा जन्मदिन, ठीक है? तारीख याद नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं, सरस्वती पूजा के दूसरे दिन ही मना लेंगे। क्यों? अरे लल्ला, पूरा जीवन गुजर गया, अब इस समय बुढ़ापे में क्या चौंचले करूंगी? तूने पूछा तो बता दिया, तेरे माँ बाप सुनेंगे तो हंसेंगे तुझ पर और मुझ पर भी। नील उठ बैठा। नहीं दिम्मा, ये सब मैंने नहीं सुनना। बस जैसे हर साल मेरा जन्मदिन मनता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। फिर मैं बाहर चला जाऊंगा तो कम से कम 2-3 साल के बाद ही आऊंगा ना, मुझे इतना करने दो प्लीज। अब दिम्मा उसे कैसे रोकती? उनके कलेजे का टुकड़ा जो था, उनका इकलौता पोता, उनके कुल का चिराग, बचपन से दादी के साथ ही उसका ज्यादातर समय गुजरा था, बचपन से लेकर स्कूल के शुरुआती दिनों और फिर जवान होने तक उसने जीवन का सफर एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ अपने दिम्मा का हाथ पकड़ कर ही तय किया था। जीवन के हर उतार चढ़ाव को पार करता छोटे से बड़ा होता गया नील, जो आज इतना बड़ा हो गया था कि 7 समुद्र पार जाने वाला था। पता नहीं फिर कब वो लौटेगा, तब तक ये बूढ़ी आंखें उसके इंतजार में पथरा गई होंगी या बंद हो चुकी होगी, ये भी पता नहीं। दिम्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना बड़ा हो गया है रे तू, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, विदेश में भी अपना ऐसा ही रुतबा रखना और अपना ख्याल रखना, मेरी याद आए तो मुझे फोन जरूर करना। अचानक से भर आई थी उनकी आंखें। अच्छा बताओ दिम्मा, तुम्हें जन्मदिन का गिफ्ट क्या चाहिए? अरे अब इस बुढ़ापे में गिफ्ट लेकर क्या करूंगी, तू तो बस मुझे एक चॉकलेट खिला देना, पर अपने बाप को बताना मत, नहीं तो वो फिर चिल्लाएगा कि मेरा शुगर बढ़ जाने वाला है। ठीक है चॉकलेट तो मैं खिला दूंगा, लेकिन जन्मदिन का गिफ्ट कुछ खास होना चाहिए ना, और तुमने ही तो सबको शुरू से कहा है कि किसी को कुछ तोहफा देना हो तो उसकी पसंद का दो, बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। दिम्मा उसकी तरफ देखने लगी एकटक, फिर कुछ सोच कर बोली, मैं जो मांगूंगी मुझे देगा, हंसेगा तो नहीं? सजग होकर बैठ गया नील। अरे नहीं दिम्मा, कोई नहीं हंसेगा तुम पर, खुलकर बोलो ना डार्लिंग, और किसी बात की परवाह मत करो, मेरा वादा है तुमसे। दादी और पोते की ये बातें सुन शायद विधाता भी कहीं ना कहीं से निहाल हो जाते होंगे, शायद ये रिश्ता ही ऐसा होता होगा, इतना प्यारा, इतना निश्चल,
इतना सहज। सुन, मैं जब भी शहर जाती हूँ ना, वहाँ मुझे बाथरूम की बहुत सुविधा हो जाती है। वहाँ पर अंग्रेजी वाला है ना, क्या कहते हैं उसे, कमोड ना, वैसा ही मेरे लिए यहाँ बनवा देगा? नील से दिम्मा ने बहुत ही प्यार से कहा। तो तुम्हें कमोड वाला बाथरूम चाहिए दिम्मा? ये कौन सी बड़ी बात है, पहले ही क्यों नहीं कहा? तुम्हारे पैरों में गठिया की तकलीफ रहती है, ये जानते हुए भी? पापा ने भी कभी नहीं किया। अरे नहीं रे, मैंने ही कभी नहीं कहा। वो तो मुझे यहाँ गांव में कभी रहने ही नहीं देना चाहता, पर मैं अपने जीवन के अंतिम समय में तुम्हारे दादाजी के बनाए घर को छोड़कर और कहीं नहीं रहना चाहती बेटा। हम दोनों की सारी उम्र यहाँ गुजर गई। यहाँ रहती हूँ तो हमेशा लगता है कि तुम्हारे दादाजी मेरे आसपास ही कहीं हैं। तू अपने बाप से इस बारे में कुछ ना कहना, ठीक है? दिम्मा, नहीं कहूंगा, कल से ही काम लगवाता हूँ। दिम्मा को तो लगा जैसे उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। उन्होंने आज तक अपने बेटे से भी कभी संकोच में कहा नहीं था। उनके पैरों में गठिया की वजह से काफी सूजन रहती थी और इस बारे तो शहर से आने के बाद उनके पैरों का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। एक दो बार सोचा भी कि अपने बेटे से कहे, पर संकोच के मारे चुप हो जाते। आज जब इतने प्यार से उनके पोते ने पूछा तो अपने दिल की बात रोक नहीं पाई। अच्छा सुन, और एक दूसरा तोहफा भी चाहिए, अचानक से दिम्मा ने कहा। नील उठ बैठा। ना दिम्मा, बिल्कुल नहीं। अब ये बहू ले आओ का पुराना राग मत शुरू कर देना, अभी मुझे अच्छे से सेटल तो होने दो। अरे सुन तो, बहू की बात कौन करता है, मैं इतनी भी पुराने जमाने की दादी ना हूं। बहू की बात करेगी तेरी अम्मा, मुझे इतनी जल्दी दादी सास बनने का कोई शौक नहीं। दिम्मा हंस पड़ी। तो फिर दूसरा तोहफा क्या चाहिए? सुनना, तू मुझे वो शहर वाले रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएगा? सुना है वहाँ बहुत लजीज पकवान परोसते हैं, कांटे चम्मच और तरह तरह के बर्तन होते हैं, चाय की सजावट बड़ी महंगी होती है। मैंने तो बस फिल्मों और सीरियलों में ही देखा है। बेटा, इतनी फुर्सत तुझे है कि ले जाएगा मुझे एक बार? हाँ हाँ दिम्मा, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाऊंगा। ओफो, तुमने आज तक कभी अपने मन की बात कहा क्यों नहीं दिम्मा? माना कि पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, पर तुम अपनी इच्छाओं को तो एक बार बोल ही सकती थी ना, भले उनसे ना कही, मुझसे तो कहती। मुझे आज पता चल रहा है कि तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने की इच्छा है, हम कल ही चलेंगे, ठीक है? तुझे शर्म तो नहीं आएगी ना एक बुढ़िया को साथ ले जाने में? अब ज्यादा इमोशनल मत करो दिम्मा, और ये ड्रामा क्वीन मत बनो, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं आपको। नील दुलार से तुनक पड़ा। उसने उसी दिन अपने कुछ दोस्तों से बात कर कुछ कुछ सीक्रेट प्लानिंग की। अगले दिन सुबह से ही घर में दादी के लिए नए बाथरूम का काम शुरू हो गया था। पुराना वाला वैसे ही रहने दिया गया, ऐसे भी दादी उसे तोड़ने नहीं देती, सब दादाजी का बनाया हुआ था। सुबह से बैठकर काम देखने में लगी रही, बहुत खुश हो गई थी और वो खुशी उनकी आंखों में दमक रही थी। आखिर उनका पोता इतना बड़ा जो हो गया था कि अब उनके लिए अपने फैसले से कुछ कर सकता था। अगले 4-5 दिनों के अंदर ही उनके लिए नया बाथरूम तैयार हो जाने वाला था। अभी नील को भी जाने में 10 दिनों का समय बाकी था। जैसे ही शाम हुई, नील ने कहा, दिम्मा तैयार हो जाओ। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, सच में थोड़े ना इतने बड़े होटल में खाना खाने जा सकती हूँ, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो तो तुझे ही शर्मिंदगी होगी ना। पर उनकी एक बात नहीं सुनी नील ने, हार कर दादी को तैयार होना ही पड़ा। पर मन में खुशी एक शीतलता भी थी। थोड़ी देर के बाद ही नील के साथ गाड़ी में बैठी दादी रेस्टोरेंट जा रही थी। रेस्टोरेंट पहुंचकर बच्चों के समान खुश हो गई और चारों तरफ विस्मय से निहारने लगी, कितनी खूबसूरत जगह होती है ये, उन्होंने तो बस फिल्मों और टीवी सीरियलों में ही इसे देखा था। नील ने पहले ही एक टेबल रिजर्व करा रखा हुआ था, बहुत सुंदर सजावट की हुई थी उस टेबल की। दादी के बैठने के लिए एक आरामदायक सोफा पहले से ही लगवा दिया था उसने। थोड़ी देर के बाद ही दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी आते हुए देखा। उनकी खुशी दोगुनी हो चुकी थी। आज तक उनके बेटे को भी रेस्टोरेंट का खाना कभी पसंद नहीं था, इसीलिए बहू भी कभी आ नहीं पाई थी। आज एक साथ घर की दोनों महिलाओं को पहली बार ये खुशी मिलने जा रही थी। होटल पहुंचते ही वहां के स्टाफ ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया।
थोड़ी ही देर बाद नील के कुछ दोस्त हाथों में बड़ा सा केक और उपहार लेकर पहुंच गए। सब नील की दादी से पहले ही परिचित थे, जानते थे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए जब बीते शाम नील ने उन्हें फोन किया था तो उन लोगों ने सारी तैयारी करके रखा था। इधर उधर की बातें होती रही, हंसी ठहाके गूंजते रहे। सबके आने के बाद दिम्मा के पूरे जीवन का पहला जन्मदिन पहली बार मना। दिम्मा ने केक काटा और अपने साथ साथ अपनी बहू से भी केक कटवाया। फिर सभी लोगों ने उन्हें गिफ्ट दिए और आशीर्वाद लिए। अपार उल्लास और खुशी से गदगद दिम्मा सबको भर भर कर अपना आशीष दिया। रेस्टोरेंट के और बाकी आए हुए लोग भी दादी और पोते के इस प्यार को अब देखकर अभिभूत थे। ये सब देखकर रमेश की भी आंखें भर आई। सच ही तो है, उन्होंने भी आज तक कभी अपनी माँ के जन्मदिन को कभी जानने की कोशिश नहीं की। मनाने की बात तो दूर ही रही, इतना गंभीर होना भी क्या कि अपनी माँ को ही ना समझ पाए। उन्होंने बहुत प्यार से अपने बेटे की ओर देखा। चलो, वो खुद जो ना कर पाए उनके बेटे ने कर दिखाया। तभी दिम्मा ने अपने बेटे और बहू को बताया कि बिल्कुल शहर जैसा ही बाथरूम नील उनके लिए गांव में बनवा रहा है। सुनकर पहले तो थोड़ा अवाक रह गए रमेश। माँ ने कभी उनसे कहा क्यों नहीं, वो खुद ही बनवा देते, शायद किसी संकोचवश ना कह पाई हो। पर कोई बात नहीं, कम से कम अपने पोते से तो दिल की खोल कर बात कर ही लेती है। एक सप्ताह के अंदर ही नया बाथरूम बनकर तैयार हो गया था। बहुत सुंदर से सजा कर बनवाया था उसे नील ने। खूबसूरत और साथ ही नए डिजाइन के नल और टाइल्स देखकर दिम्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। नील को 2 दिनों बाद ही निकल जाना था, फिर तो पूरे 2-3 साल के बाद ही इंडिया वापस आ पाएगा। अच्छा हुआ दादी से मिलने आ गया, वरना कभी नहीं जान पाता कि उनकी जरूरतें क्या है, उनकी हसरतें क्या है। बहुत खुश था अपनी दिम्मा के लिए, एक आत्मिक शांति और अद्भुत खुशी का एहसास हो रहा था उसे। उसके जाते समय दिम्मा ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। कहने लगी, जानते हो इसलिए लोग कहते हैं मूल से ज्यादा सूत प्यारा होता है। सुनकर नील भावुक हो गया। दिम्मा, और भी कोई मन में चाहत हो तो सबसे पहले मुझे ही कहना, मैं हूं ना, मैं पूरी करूंगा तुम्हारी हर जरूरत। सुनकर दिम्मा सुबह उठी और अपने पति की तस्वीर को देखकर कहा, शायद इसीलिए लोग दुनिया में नाती और पोतों की कामना करते हैं कि मन की जो बात हम अपने बेटे और पति से ना कह पाए उनसे बेझिझक कह दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।